बेमेतरा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने जिला अध्यक्ष विद्या जैन के नेतृत्व में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधायक आशीष छावड़ा के कार्यालय पहुंचे। बता दें कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। विगत 15 वर्षों से पूर्व बीजेपी सरकार ने हमें धोखा दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,500 रुपये, सहायिकाओं को 3,250 रुपये मानदेय दिया जाता है। महंगाई में अपने परिवार का पालन पोषण करना अत्यंत ही मुश्किल हो गया है। हमारी समस्या और समय समय पर आपके समक्ष रखते आ रहे हैं, इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग अनुमति लिए नहीं, ऐसा नहीं सर लोग बोल रहे थे कि अनुमति नहीं लिए, लेकिन हम रैली के रूप में आए नहीं थे। हम तुम्हारे भाई हैं, हमारी मुखिया है, हमारे जिला के विधायक है, करके यहाँ उनसे मिलने आए थे और हम चाहते हैं बस हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए और कलेक्टर सर हमारी मांग का कार्यकर्ता संयुक्त मंच के तत्वाधान में यहाँ आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायिका के पदाधिकारी यहाँ आए थे। उनके माध्यम से 6 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम से सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि हमारी मांगों पर शांतिपूर्वक विचार करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनकी जो जायज मांग है उस पर विचार करना चाहिए।